चैप्टर स्टिल लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। इफ थ्री लाइंस हुज इक्वेशन आर, ठीक है, थ्री लाइंस की इक्वेशन दी आपके पास, ठीक है, क्या क्या दी है। वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, एंड वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, सेम है। जो थ्री लाइंस हैं वो क्या है, वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब। देन शो डैट, आपने ये शो करना है। ठीक है, तो ऐसे करो कि इन्हीं दो लाइंस को, इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स और वाई निकाल लो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसको क्या करो, फिर थर्ड इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दो, ये खुद आ जाएगा। ठीक है, थ्री लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन आता है, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो थर्ड लाइन भी तो वहीं से पास करेगी, यानी कि जो थर्ड लाइन है वो भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, इसके नंबर वन टू एंड थ्री। ठीक है, सॉल्व वन एंड टू, वन एंड टू को सॉल्व करते हैं हम। तो वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया। जीरो इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इंटू एक्स प्लस सी वन माइनस सी टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर आके सी टू माइनस सी वन हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इंटू एक्स, यानी कि सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू लो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन वाई इज इक्वल टू एम वन, एक्स की वैल्यू है मेरे पास सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, ठीक है, प्लस सी वन। तो वाई क्या आ जाएगा, एम वन सी टू माइनस एम वन सी वन। ठीक है, और नीचे तो एलसीएम आ चुका था, एम वन माइनस एम टू, तो क्या आ जाएगा, प्लस एम वन सी वन माइनस एम टू सी वन। तो एम वन सी वन, एम वन सी वन कट गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये मैंने ठीक किया, चेक कर लो, सी टू माइनस सी वन, सी टू माइनस सी वन, तो सी टू एम वन माइनस एम वन सी वन, एम वन सी वन, ठीक है, एंड माइनस सी वन एम टू, सी वन एम टू। तो मेरे पास आ रहा है एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, ये मेरे पास वाई की वैल्यू आ रही है। ओके, अब देखो मेरे पास एक्स और वाई दोनों पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यूज जो हैं वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, पुट फोर एंड फाइव इन इक्वेशन थ्री। क्यों किया, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो थर्ड लाइन पर भी लाई करेगा। ठीक है, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू एम थ्री इंटू एक्स की वैल्यू है सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाय एम वन माइनस एम टू एंड प्लस सी थ्री। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, बाकी मुझे ये नहीं चाहिए अब। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर दी है। ठीक है, तो इसे भी मैं रफ कर देता हूँ अब। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करना ना। तो ये आ गया मेरे पास एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू विच इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ गया एम वन माइनस एम टू,
ये क्या जाएगा, एम थ्री सी टू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एम थ्री सी वन एंड प्लस एम वन सी थ्री एंड माइनस एम टू सी थ्री, ये तो आपस में कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसा है, एम वन वाली टर्म्स इकट्ठी एम टू वाली और एम थ्री वाली, ठीक है। तो एम वन वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, एम वन सी टू ये माइनस एम वन सी थ्री प्लस एम टू, इसको वहां लेके तो प्लस हो गया एम टू सी थ्री, इसको यहाँ लेके प्लस हो गया एंड दिस इज माइनस एम टू सी वन, ठीक है। इसको वहां लेके तो प्लस हो गया एम थ्री सी वन, ठीक है, और ये एम थ्री माइनस, ये वहां जाके माइनस हो गया एम थ्री सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो एम वन कॉमन आ गया तो क्या गया, सी टू माइनस सी थ्री प्लस एम टू कॉमन है तो सी थ्री माइनस सी वन एंड प्लस एम थ्री कॉमन है तो सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो, और यही आपने यहाँ पर शो करना था, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। ओके, तो जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं, क्वेश्चन सिंपल ही हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 3,2 से पास कर, ये लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2, ओके, विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, कौन सी लाइन है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया हुआ है, तो यानी कि यहां पर एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू का मोड, ये फॉर्मूला यूज हो गया होगा क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया है और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैंने मान लिया जो इस लाइन का स्लोप है वो है एम टू और इस लाइन का जो स्लोप है वो है मेरे पास एम वन, ठीक है। तो यहां से एम टू निकल जाएगा, सब्सिट्यूट करो एम वन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले यहां से सॉल्व कर लो, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, देन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू वाई, देन वन बाय टू एक्स माइनस थ्री बाय टू इज इक्वल टू वाई, कंपेयर करो इसको एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई के साथ, एम की वैल्यू क्या रही है, ये आ गया एम टू वन बाय टू, तो एम टू की वैल्यू वन बाय टू आ रही है, सब्सिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, टेन 45 डिग्री एम टू इज वन बाय टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन बाय टू इंटू एम वन, ये आ जाएगा, तो ये आ गया वन इज इक्वल टू वन माइनस एम वन अपॉन टू, और ये क्या आ जाएगा अपॉन टू प्लस एम वन अपॉन टू, टू से टू कट गया, मोड हटाना है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस एम वन अपॉन टू प्लस एम वन, ठीक है, ये चीज समझ में आती, मैं इसे रफ कर रहा हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं अब, ठीक है। तो देखो एक तो आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन माइनस एम वन अपॉन टू प्लस एम वन, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, और वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एम वन अपॉन टू प्लस एम वन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू प्लस एम वन इज इक्वल टू वन माइनस एम वन, एड हो गया तो टू एम वन इज इक्वल टू माइनस वन, एम वन क्या आ गया माइनस वन बाय टू, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू प्लस एम वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एम वन, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ होगी। ये तो एम वन कट रहा, कहीं गलत कर दिया हमने, 45 दिस एलसीएम लिया, ये यहां पर गलत हो चुका है, एलसीएम लिया टू एम वन आएगा यहां पर, तो टू एम वन आना था, ये आ गया, तो यहां पर आना था मेरे पास टू एम वन और यहां पर आना था टू एम वन और यहां पर आना था टू एम वन, ठीक है, चलो लग गया पता यहाँ पर गलती का। तो देखो क्या जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू प्लस एम वन इज इक्वल टू वन माइनस टू एम वन, ये वहां गया तो थ्री एम वन इज इक्वल टू माइनस वन,
एंड एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ से क्या जाएगा, टू प्लस एम वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू एम वन, इसको यहाँ लेके तो थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वन। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो स्लोप ये है और पॉइंट है मेरे पास 3.2, ठीक है, और दूसरा स्लोप ये है और पॉइंट है मेरे पास 3.2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सॉल्व कर लो क्या आएगा, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ रही है, ठीक है, और दूसरी क्या आ रही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, वहां जाके माइनस 7, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ रही है मेरे पास, ठीक है, लग गया पता। तो ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन करो, एक तो ध्यान रखना है मोड का मतलब है, मोड जब हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था क्यों। फिर यहाँ पर सॉल्व करो तो यहाँ पर एम की दो वैल्यूज आ रही है, अगर एम की दो वैल्यूज आ रही हैं तो अगर दो स्लोप आए तो मेरे पास टू इक्वेशंस बनेगी, और ये मेरे पास वो टू इक्वेशंस हैं लाइन के। ओके ये चीज आई समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, ठीक है, ये जो लाइन्स हैं 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 यहाँ लेंगे और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये दो लाइन्स हैं। ओके ठीक है, एक ही इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, और दूसरी की इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से वो पास कर रही है, तो आपने इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जो इस लाइन पर भी लाई करेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो यहां से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे लिखे एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन एल है ये ऐसे है, ये एक्सिस पर कट कर रही है, तो ये इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, ये इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, अगर ये ए है तो ये ए है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी एल की जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट ए, ठीक है, तो देखो क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो इक्वल इंटरसेप्ट दिए तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चीज समझ में आ गई, इन्होंने लिखा था ना कि आपने इक्वेशन निकालनी है लाइन की जिसके इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल दिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और बोल रहे हैं ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन थ्री, ये वन एंड टू, जो इक्वेशन थ्री है वो कहां से पास कर रही है, वन और टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, किसको सॉल्व, वन एंड टू, तो क्या है मेरे पास 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, इसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे 2 से, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, इन्हें आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 5/13, इस वैल्यू को लो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, मैं ले रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड, 2x माइनस 3 इंटू 5/13 इज इक्वल टू -1, तो 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा -1, ये वहां जाके प्लस 15/13, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 13
अपॉन 13, तो x आ गया मेरे पास 1/13, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो पॉइंट क्या आया मेरे पास, ढंग से देखना जरा, ठीक है, पॉइंट क्या आया मेरे पास, पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1/13 कॉमा y, y इज 5/13, ठीक है। ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, ठीक है, और ये जो पॉइंट है लाइज ऑन लाइन 3, लाइन 3 पर भी लाई करेगा क्योंकि लाइन 3 जो है इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इसका मतलब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, 1/13 + 5/13 इज इक्वल टू ए, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6/13, वैल्यू लो यहां पर पुट कर दो, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13, यानी कि डैट इंप्लाइज 13x + 13y इज इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड हैविंग द इक्वल इंटरसेप्ट, और जिसके इंटरसेप्ट क्या हमारे पास इक्वल है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, बोलते हैं आपने इक्वेशन निकालनी लाइन की जो पास कर रही है ओरिजिन से। देखो कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू m1x, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, लाइन ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो देखो y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट क्या हुआ, यहां से ओरिजिन से पास कर जीरो जीरो हुआ, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हुआ, जीरो हुआ ना, तो x एक्सिस को जीरो पर कट कर रही है, y एक्सिस को जीरो पर कट कर रही है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू जीरो तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो मैं यहां पर ले लिया y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि m तो यहां पर है स्लोप, तो मैंने इसका m1 मान लिया, ये चीज समझ में आ गई। अब लिखा है कि मेकिंग एन एंगल थीटा, ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, किसके साथ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, थीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू, यानी कि m1 - m/1 + m1m का मोड, ये आएगा, और आपने ये प्रूव करना है, लग गया पता, तो पूछा था आपको, बोलते हैं कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है उस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, और इस लाइन ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा, तो एंगल बिटवीन टू लाइन ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना और ये चीज लेकर आनी है, वाई और एक्स भी चाहिए, तो यहां से देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास m1, ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है, y अपॉन x, सब्सिट्यूट कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस m/1 + my अपॉन x का मोड, ठीक है। अब देखो ये मोड मुझे हटाना है, ये मोड मुझे हटाना है, ब्रैकेट लगानी है, तो क्या साइन आ जाएगा, प्लस माइनस, मैंने आपको पहले बताया था, तो यहां पर मेरे पास टेन की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन वन प्लस एम वाई अपॉन एक्स आएगा, ठीक है, और क्या जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के साथ वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन वन प्लस एम वाई अपॉन एक्स, ये आएगा, ठीक है। अब आ जाओ इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड, ओके आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में है आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस एम अपॉन वन प्लस एम वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस एम टेन थीटा वाई अपॉन एक्स कहाँ गया, चलो यहाँ ले लेते हैं, टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेन थीटा और एम टेन थीटा वाई अपॉन एक्स,
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस एम। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो आपको वाई अपॉन एक्स अलग चाहिए, वाई अपॉन एक्स अलग चाहिए, तो वाई अपॉन एक्स वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो। तो ये आ गया मेरे पास, ये यहां आके क्या हो गया एम प्लस टेन थीटा, ये वहां जाके क्या हो गया माइनस, तो वाई अपॉन एक्स माइनस एम टेन थीटा इंटू वाई अपॉन एक्स, यानी कि एम प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरे पास, वन माइनस एम टेन थीटा, यही बचा। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एम प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस एम टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये मेरे पास आ रही है, इसको दे दो नंबर थ्री। ठीक है, ओके आ जाओ, ये तो आया मेरे पास नंबर वन को सॉल्व करके। अब नंबर टू को भी सॉल्व करना है, तो देखो नंबर टू इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस एम हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, वन प्लस एम वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस एम वाई अपॉन एक्स टेन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एम, वाई अपॉन एक्स वाई टर्म्स फिर से इकट्ठे कर लो, इसको यहां ले जाओ। ठीक है, और वाई अपॉन एक्स कॉमन भी ले लो, वाई अपॉन एक्स यहां ले गए थे, तो क्या बचा, वन प्लस एम टेन थीटा। ठीक है, और ये क्या गया एम, इसको वहां ले गए तो माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रही मेरे पास, एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा, ये भी वाई अपॉन एक्स, ये भी वाई अपॉन एक्स। अब मुझे इन्हें कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, इसे रफ कर दूं मैं। ठीक है, अब देखते जाना। ठीक है, तो देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, देखो एम प्लस टेन थीटा एम माइनस टेन थीटा, तो वाई अपॉन एक्स दोनों तरफ सेम है, वाई अपॉन एक्स लिखा, तो एम प्लस माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं, ये चीज समझ में आई। देखो वाई अपॉन एक्स, एक एम प्लस टेन थीटा आ गया और एक एम माइनस टेन थीटा आ गया, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, अब देखो पहले एम प्लस टेन थीटा लिया ऊपर, तो पहले ये लेंगे, तो वन माइनस एम टेन थीटा और बाद में ये साइन प्लस। ठीक है, और यही आपने प्रूव करना था, एक बार देख लो इसको कैसे लिखेंगे। देखो इसको अगर हमें अलग अलग करें, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, ऊपर वाला साइन ले रहा हूं पहले मैं, ठीक है, तो नीचे भी ऊपर वाला साइन लूंगा, ये चीज आ गई। और वाई अपॉन एक्स, अब मैं यहां पर नीचे वाला साइन ले रहा हूं, एम माइनस टेन थीटा, तो यहां भी नीचे वाला साइन लेना पड़ेगा, वन प्लस एम टेन थीटा। देख लो ये जो चीज है, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस एम टेन थीटा, और यहां पर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा। तो ठीक है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके, यानी कि इसको थर्ड को और फोर्थ को कंबाइन करके ये चीज लिख सकता हूं। ठीक है, और यही आपको यहां पर शो करना था। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, बोलते हैं इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, ये दो पॉइंट्स हैं माइनस वन कॉमा वन एंड फाइव कॉमा सेवन, इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये कोई लाइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर किस लाइन में, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, मैंने मान लिया के रेशियो वन में डिवाइड करेगी। ठीक है, अगर देखो मैं ये पॉइंट निकाल लूं एक्स वन कॉमा वाई वन, अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं तो मैं सेक्शन फार्मूला यूज करके निकाल सकता हूँ के रेशो वन। ठीक है,
और ये एक्स वन और वाई वन है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ए बी लाइन एंड दिस सी डी लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देखो ना एक बार फिर देख लो, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है, और ये जो लाइन है ठीक है, बोल रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्ट करी तो किस रेशो में ये काट रही है। ठीक है, तो मैंने मान लिया के रेशो वन में काट रही है। ठीक है, अब मुझे अगर ये पॉइंट मिल जाए ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज करके के और रेशो वन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स वन और वाई वन है कि एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो अब पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे, फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आ जाएगी, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन वाई वन मान लिया हमने, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया। तो क्या जाएगा, वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स, तो वन आ गया। तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू एक्स, इसको वहां लेके माइनस वाई प्लस टू, ठीक है, यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये इक्वेशन आ गई, ये वन। और ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, एड कर दो तो टू एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर दो तो वन प्लस वाई फ्रॉम सेकेंड, वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन इज वन कॉमा थ्री। ठीक है, अब देखो मुझे ये पॉइंट मिल चुका है वन कॉमा थ्री। ठीक है, अब मुझे निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, तो आज पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहां पर। तो वन इज इक्वल टू, ये वन क्या है, वन इज इक्वल टू के इंटू फाइव, फाइव के प्लस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन डिवाइड बाय के प्लस वन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, थ्री इज इक्वल टू के इंटू सेवन, सेवन के एंड वन इंटू वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन, यही आएगा, और वन से यहां भी किया था पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई के, तो के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव के माइनस वन, तो यानी कि माइनस फोर के इज इक्वल टू माइनस टू एंड के इज इक्वल टू वन बाय टू, और यहां से सॉल्व करो तो क्या रहा है, थ्री के प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन के प्लस वन, इसको यहां लेके माइनस फोर के, इसको वहां लेके तो माइनस टू एंड के इज इक्वल टू वन बाय टू, दोनों में वन बाय टू आ रहा है, के की वैल्यू वन बाय टू आ रही है। ठीक है, तो रेशो क्या था, रेशो पूछा ना, तो रेशो हमने लिया था के रेशो वन, विच इज इक्वल टू के की वैल्यू वन बाय टू रेशो वन, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वन रेशो टू। ठीक है, तो ये जो लाइन है सी डी लाइन, वो ए बी लाइन को किस रेशो में, वन रेशो टू में डिवाइड करेगी। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है, मान लो ये है लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। 1, 2 पॉइंट मान लो ये है 1, 2 अलोंग द लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अलोंग द लाइन यानी कि अलोंग द लाइन, देखो ये जो 1, 2 है, ठीक है, अगर 1, 2 इस लाइन पर सब्स्टिट्यूट करो तो ये वेरीफाई हो रहा है, यानी कि पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो यानी कि 1, 2 इस लाइन पर है, तो यानी कि वो जो लाइन कुछ मान लो ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर सुनो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, वो तो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर आगे क्या लिखा है, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई अलाइन के अलोंग, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछा आपसे, ठीक है। लेट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज सी, फिर सुन लो, ये मेरे पास लाइन दी थी और बोला था कि आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है 1.2 पॉइंट से, ठीक है, अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये 2x माइनस वाई, ये जो पॉइंट है 1.2 वो 2x माइनस वाई पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर है, ठीक है। तो देखो ये लाइन मैंने बना दी, तो आपने इस लाइन का डिस्टेंस निकाला इस पॉइंट से इस लाइन के लॉन्ग, तो ये लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, कहाँ कट कर रही है, यहां पर। तो ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट कर रहे हैं, यहां पर। तो ये आपसे पूछा है ए बी डिस्टेंस, आपसे ए बी डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूँ एक बार आपको, बोलते हैं आपने इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से अलोंग द लाइन दिस, अब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, अब इस लाइन के अलोंग निकालना डिस्टेंस, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली नहीं जाना है, आपने इस लाइन के अलोंग जाना है। तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पॉइंट से डिस्टेंस भी ऐसे जाएगा, कहाँ तक, इस लाइन तक, तो ये लाइन कहाँ है, यहाँ मिल रही है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो है ए बी जो है वो है मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमें अगर निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये है क्या पॉइंट, बी पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, तो इन दो लाइन को सॉल्व करो, ये पॉइंट आपके पास निकल जाएगा। तो आ जाओ, क्या इक्वेशन है मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यानी, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x, ये वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर दो, तो 4x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो 4x प्लस 14x इज इक्वल टू माइनस 5, 14 एंड 4 यानी कि 18x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 5 अपॉन 18, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, तो यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है, फ्रॉम 1 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू वाई, यानी कि माइनस 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू वाई, तो ये y की वैल्यू मेरे पास माइनस 5 अपॉन 9 आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ओके। तो क्या आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, माइनस 5 अपॉन 18 एंड y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 9, तो आपने ए बी का डिस्टेंस निकालना, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसे मैं रफ कर दूं ये सारा, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, आ जाओ अब आपको क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या जाएगा वाई टू टू माइनस या एक्स टू वन माइनस, यानी कि 5/18 ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5/9, यानी कि 2 प्लस 5/9 का होल स्केयर का स्केयर रूट हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 18 प्लस 5 अपॉन 18 का होल स्केयर प्लस 9 टू जा 18 प्लस 5 अपॉन 9 का होल स्केयर, यही आएगा, ठीक है, का स्केयर विच इज इक्वल टू 23 स्केयर अपॉन 18 स्केयर प्लस 23 स्केयर अपॉन 9 स्केयर का स्केयर रूट, कॉमन क्या आ रहा है 23 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास आएगा 1/18 स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मर्जी सॉल्व करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कैलकुलेशन अलग अलग होती है। तो देखो मेरे पास आ गया विच इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 18 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 23 बाहर 18 इंटू 9 बाहर, ठीक है,
और अंदर क्या बचेगा, 9 9 81, 18 18 3 24, विच इज इक्वल 23 अपॉन 9 into 18, एंड अंदर क्या आ गया 501 405 आ गया। क्या 405 के फैक्टर निकालो, क्या आते हैं, ठीक है 9, ठीक है तो ये आ जाएगा 23 अपॉन 9 into 18 into 9 under root 5। 9 से 9 कट गया तो ये तो मेरे पास रहा 23 अपॉन 18 under root 5, ठीक है ये डिस्टेंस आ रहा है, ये चीज समझ में आई, ठीक है ये क्या आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है तो ये 23 अपॉन 18 under root 5 क्या आ गया AB, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द लाइन दिस, ठीक है टू द लाइन दिस, ठीक है डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन थ्रू दिस पॉइंट अलोंग द लाइन दिस, ये आ रहा है मेरे पास, ये चीज आई समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, ठीक है बोलते हैं कि आपने डायरेक्शन निकाली जिसमें आप जो है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे। मैंने मान लिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, और एम क्या है स्लोप, यानी कि एम क्या आ जाएगी डायरेक्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है बोलते फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, कहां से पासिस थ्रू, कहां से पास कर रही है ये, पासिस थ्रू -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है ये मैंने लाइन ये बना ली क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन -1, 2 से, ठीक है सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द लाइन, ये जो लाइन है मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मे बी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा कहां से, फ्रॉम दिस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि ये डिस्टेंस मेरे पास 3 दिया है, ये चीज समझ में आई, फिर सुन लो बोलते फाइंड द डायरेक्शन, तो एम आ गई मेरे पास डायरेक्शन, ठीक है तो इन विच अ स्ट्रेट लाइन यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ये -1, 2 से पास कर रही है, सो दैट इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ये जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम दिस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से, तो ये आपको चीज है, ठीक है ये आपके पास 3 यूनिट दी है, तो आपको अगर ये पॉइंट निकाल लो तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वहां से आपके पास एम की वैल्यू खुद आ जाएगी, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है तो पहले तो देखो ये जो लाइन है -1, 2 से पास कर रही है, तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस c, यानी कि 2 प्लस m इज इक्वल टू c, c की वैल्यू क्या आ गई m+2, उठाओ इसको यहां पर सब्सिट्यूट कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है दूसरी इक्वेशन, ठीक है आया समझ, तो ये क्या आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2 जो -1, 2 से पास कर रही है। अब इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो सॉल्व कर लो y की वैल्यू लो यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, तो x प्लस एम एक्स प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो एक्स कॉमन आ गया क्या बचा 1 प्लस m, बाकी वहां ले जाओ ये बचा 2 माइनस m, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, ठीक है अब ये वैल्यू लो सेकंड इक्वेशन में पुट करो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, फ्रॉम सेकंड एक्स की वैल्यू है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, तो y क्या आ गया 4 प्लस 4 m, एलसीएम ले लेना 1 प्लस m -2 प्लस m, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 m अपॉन 1 प्लस m, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरे पास 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m एंड 2 प्लस 5 m अपॉन 1 प्लस m, ये आ रहा है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज समझ में आई पहले तो।
देखो कुछ नहीं किया, जस्ट आपने, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बोलते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन निकालनी थी, यानी कि एम निकालना था। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो -1, 2 से पास कर रही है, ठीक है, और ये जो है इसका जो इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के साथ, वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। तो क्वेश्चन साफ क्लियर है, अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आ चुका है, ये पॉइंट भी आ चुका है, मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के यूज करूंगा तो मेरे पास एम की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाला हूँ। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, y2x2 - x1, यानी कि 2 - m / 1 + m - दिस, यानी कि +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 2 + 5m / 1 + m - y1, यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 1 + m, तो क्या आ जाएगा, 2 2 - m + 1 + m का होल स्क्वायर, एंड प्लस एलसीएम आ गया 1 + m, तो 2 + 5m - 2 - 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और सॉल्व कर लो, m से m कट गया, तो 3/1 + m का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, 5 2 3m/1 + m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मैंने स्क्वेयरिंग कर दी थी, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखो एलसीएम तो क्या जाएगा, पहले इसे सॉल्व कर लो, 3² / 1 + m का होल स्क्वायर प्लस 3m का होल स्क्वायर अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसे आपने सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा, 1 + m का होल स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 3² + 9m² इज इक्वल टू 9, तो क्या आ गया, 9 + 9m² इज इक्वल टू 9 * 1 + m का होल स्क्वायर, एंड 9 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 + m² इज इक्वल टू 1 + m का होल स्क्वायर, यही बचेगा। यहां कर दूं सॉल्व, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 + m² इज इक्वल टू, क्योंकि मैं 9, ये लो 9 कॉमन ले लिया, नहीं लग रहा पता, तो यहाँ पर 9 था, 9 से 9 कट गया, तो क्या आ गया, यही आया ना, तो क्या आ गया, 1 + m² इज इक्वल टू 1 + m² + 2m, m² से m² 1 से 1 कट गया, एंड 2m इज इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0, स्लोप क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, ठीक है, एनी लाइन हैविंग स्लोप 0, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है मेरे पास y = 0, और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कौन सी लाइन है, यानी कि जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, जितनी भी लाइन, ये जो लाइंस है सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सभी का स्लोप क्या है, 0, तो डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है, लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आएगी इसकी, लग गया पता, क्योंकि हमें एम ही निकालना था यहाँ पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17, बोलते द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ए बी एंड सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1, 3 एंड -4, 1, यानी कि हाइपोटेन्यूज के एंड दिए हैं ये 1, 3 एंड -4, 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स या परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आपको ए सी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है, तो ए सी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो ए सी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, बी सी लाइन यहां से पास कर रही है, तो देखो तो हमें यहां पर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इस लाइन की और इस लाइन की, वो देखो हम कैसे निकालेंगे,
देखो आ जाओ, मैंने मान लिया लेट एम इज द स्लोप, ठीक है, किसका, ऑफ ए सी। ए सी का स्लोप कितना आ गया, एम आ गया, तो बी सी का क्या आ जाएगा स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी क्या आ जाएगा, -1/m, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप एम है और इसका स्लोप -1 मान लो, -1, तो एम मान कितना आ गया, -1/m, वही तो लिखा, ठीक है। आ जाओ अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी क्या आ जाएगी, ठीक है, पासिंग थ्रू, पासिस थ्रू, कहां से पास कर रही है ये आपके पास, 1,3 से, और स्लोप क्या है इस लाइन का, एम, ठीक है, और स्लोप क्या है इसका, एम, तो क्या आ जाएगी, y-y1 इज इक्वल टू एम इंटू x-x1, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ बी सी क्या आ जाएगी, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है, -4,1 से, और स्लोप क्या है इसका, मेरे पास -1/m, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y-y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x-x1, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, यानी कि m इंटू y-1 इज इक्वल टू -x+1, ठीक है, एक ये आ गया और एक ये आ गई इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस आ रही हैं मेरे पास, ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या क्या इक्वेशन है, y-3 इज इक्वल टू एम इंटू x-1, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास ये है एम इंटू y-1 इज इक्वल टू -x+1, ठीक है। अब देखो फोर, अगर एम जीरो होगा, अगर एम जीरो होगा, ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा एम जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है, यहां एक गलती कर गए हम, यहां पॉइंट था -4,1, पॉइंट था -4,1, तो यहां आएगा +4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4, तो ये था मेरे पास -4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -4, ठीक है, एक तो आ जाएगा y3, एक आ जाएगा मेरे पास x-4। अगर m इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या आ जाएगी, m इन्फिनिटी है 1/0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड इक्वेशन टू से क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू इन्फिनिटी 1/0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके, ठीक है। देखो आपको मैं अब ये बता भी दूं, ये जीरो और इन्फिनिटी क्यों लिया, ठीक है, पर ये तो लग गया पता कि ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, अगर एम की वैल्यू जीरो है तो ये इक्वेशंस बन रहे हैं, और एम की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये इक्वेशंस बन रही हैं। आ जाओ मैं अब आपको ये क्लियर करता हूं, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका फिगर बनाएं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, पॉइंट 1,3, x1 y3 यहां पर आएगा कहीं, 1,3, और पॉइंट -4,1, एक्स की वैल्यू -4, -4,1 यहां पर आएगा कहीं पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, -4,1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये 1 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी यहां पर, 1, ये आएगा मेरे पास सी पॉइंट, ठीक है, ओके। अब देखो अगर आपको बी सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बी सी लाइन, एक तो यहां से 2-point फॉर्म यूज करके आप निकाल सकते हो, यहां से इसकी और यहां से इसकी, सिंपल निकल जाएगी, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अगर आपने यहां पर बी सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बी सी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी,
बीसी लाइन की इक्वेशन के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एम की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, बीसी लाइन के लिए, ठीक है? ओके, क्या आएगी? एम इज इक्वल टू जीरो। और जो एसी लाइन है, ये एसी लाइन, ठीक है? अब ये जो एसी लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एसी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये 90 है और ये एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये एसी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है? स्लोप क्या होगा मेरे पास? इन्फिनिटी होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन थी, एसी लाइन की इक्वेशन क्या थी? एसी लाइन की इक्वेशन थी मेरे पास वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस वन। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर, फिर सुन लो एक बार, मैंने यहां पर पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल दी थी, तो ये पॉइंट तो निकल जाएगा ऐसे, ठीक है? यहां पर ये बिल्कुल सीधी होगी लाइन, ये एक्स की वैल्यू वन, ये भी बिल्कुल सीधी आएगी, तभी तो ये परपेंडिकुलर बनेगी एसी और बीसी। तो ये पॉइंट आ गया 1,1, ठीक है? टू पॉइंट फॉर्म का यूज करो, इक्वेशन निकालो। और दूसरा है कि हमने एम जीरो और इन्फिनिटी को लिया। अब देखो ये जो मेरे पास बीसी लाइन थी, बीसी लाइन की जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है? एम इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फोर, ये है मेरे पास, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जो बीसी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो, तो बीसी लाइन का स्लोप भी क्या होगा? जीरो। तो इस केस में मेरे पास एम क्या आ जाएगा? जीरो। तो एम जीरो क्या जाएगा? एम जीरो, ठीक है? तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? एम जीरो, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। यहां से अगर आपके पास एम इनफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक्स क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग एम जीरो और एम इज इक्वल टू इनफिनिटी के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें देखते जाओ, ठीक है? ये चीज तो समझ में आ गई, हम जीरो और इन्फिनिटी को ले रहे हैं, ठीक है? अब देखो दूसरी चीज क्या है, जो आपसे पूछी इक्वेशन, बीसी की इक्वेशन पूछी है, तो बीसी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? बीसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन, तो ये क्या है? वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगी। एसी की निकालनी है, तो एसी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वन, तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या है? एक्स, तो ये क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, एम जीरो तो ये आ गया, एम इनफिनिटी तो ये दो चीजें आ गई, ठीक है? ओके, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, एम जीरो और इनफिनिटी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक बार ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है और एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रही है, ठीक है? और ये सिंपल है, बीसी की इक्वेशन निकालनी है, तो बीसी आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये डिस्टेंस वन है, तो ये क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू वन। और ये जो है मेरे पास एसी, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस कितना है? वन, ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, ठीक है।